अभी हम हैं उड़ीसा। अचानक से कैसे पहुंच गए हैं? और यार ये बैग पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो हम उधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया साइड आने के बाद मेरा पहले से प्लान चल रहा था कि हम उड़ीसा का ट्रिप करेंगे, और वो भी छठ पूजा से पहले। छठ पूजा में मुझे घर भी जाना है। और अभी हम हैं कटक रेलवे स्टेशन में, और यहाँ से मुझे जाना है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर करीब 30 किलोमीटर के आसपास है, तो देखते हैं हमें बस वगैरह मिल जाए। बस तो ऐसा कुछ है कटक रेलवे स्टेशन का। और भाई मेरे साथ क्या हुआ है कि हमें जाना था भुवनेश्वर, मेरा जो डिपार्चर स्टेशन था पारसनाथ रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से जाना था हमें भुवनेश्वर, लेकिन मेरा टिकट जो है वो कटक तक ही था। तो हमें लगा कि यार ट्रेन में बैठे रह जाए क्या, डायरेक्ट भुवनेश्वर में उतरेंगे। बट अगर किसी पकड़ लेता ना तो दबा के फाइन मार लेता, तो इसीलिए हम यहीं पे उतर गए हैं। और यहाँ से हम बस लेंगे भुवनेश्वर के लिए, और मेरा जो हॉस्टल है उसके बारे में भी हम बताएंगे। अभी अकेले आ गए हैं, इसमें सीढ़ियों का यूज करो, लिफ्ट का नहीं, अकेले यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है। पहले हमें जाना है बस स्टैंड, उसके बाद फिर रिंग रोड गांधी मैदान ऐसा कुछ करके जगह है, अब देखते। और इधर से खुल गया, ट्रेन का नाम क्या है? कटकपुरी। टाइमिंग? 4:55। थैंक यू भाई साहब। फिर से ट्रेन ले रहे हैं हम भुवनेश्वर के लिए। अभी लिफ्ट से ऊपर नीचे हो रहे हैं। हुआ क्या कि मुझे जाना था बस से भुवनेश्वर, लेकिन कटक से पुरी के लिए अभी ट्रेन है। कटक से पुरी के लिए अभी ट्रेन है 4:55 पर, तो वो जाएगी भुवनेश्वर से होते हुए। तो अच्छी बात ये है कि हम भुवनेश्वर में उतर जाएंगे, और इसमें जो मेरा फेयर लगा है वो 30 रुपये। यही अगर हम बस से जाते ना या ऑटो से तो करीब 60-70 रुपये लग जाता, ऐसा बचत कर रहे हैं हम। अभी हम इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़े थे पूरी के लिए, शायद ट्रेन खड़ी है तो काफ़ी टाइम है मेरे पास। यही है मेरी ट्रेन। भाई साहब पूरा बोगी खाली हुआ है, और शायद ये भर जाए, पता नहीं। पहले हम कुछ खा लेते हैं, सुबह से हम क्या खाएं, चाय बिस्किट और थोड़ा मूढ़ी होता है ना वो खाए हैं, तो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रेन में बैठते हैं, क्योंकि ट्रेन को अभी निकलने में काफ़ी टाइम है। नाम क्या बताएं इसका? ये ग्रीन बॉन है, 20 रुपये का पड़ा। और ये शायद आधा घंटा लगेगा मुझे भुवनेश्वर पहुंचने में, 20 रुपये लिए, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रीन बॉन सही है। तो फिलहाल
फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है कटक रेलवे स्टेशन से पुरी की ओर। हमें उतरना है भुवनेश्वर और ट्रेन बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है, मतलब कि बहुत कम पैसेंजर है ट्रेन में। और बस है अभी यार, अभी के लिए बस यही है। झारखंड में बहुत बारिश हो रहा था और उड़ीसा में मौसम काफ़ी सही है। एक मेरा फ्रेंड है आंध्र प्रदेश के, भानु प्रकाश नाम है उनका, तो हम लोग मिले थे गुवाहाटी में और वो करीब आए थे 20-25 दिन पहले उड़ीसा। तो बैग सही है, तो वो बोले ना कि भाई उड़ीसा में बहुत गर्मी है, दबा कर। और अभी हम आए हैं 18 अक्टूबर, तो मौसम काफ़ी सही है अभी। लो जी पहुंच गए भुवनेश्वर, लो जी पहुंच गए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। जाना है हॉस्टल। अभी शाम का टाइम हो रखा है, कुछ 6 बज रहे हैं और यहाँ से करीब 600 मिनट का रास्ता है, वो हम पैदल ही तय कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश। राजेश, राजेश जी आप ओनर हैं? स्टाफ है ना। हाँ जी, तो इस रूम का पड़ा है मुझे 300 रुपये पर डे। अच्छा खासा रूम है, बैग, बेड, एक टीवी जो मेरा कोई काम का नहीं है, आईना और इधर स्विच वगैरह इसका। अभी जाते हैं नीचे, पहले अपना आधार कार्ड देते हैं और कुछ पेमेंट कर देते हैं। पहले आधार कार्ड अपना देते हैं नीचे, उसके बाद फिर रूम में थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि दिन भर ट्रेन में रहते रहते पूरा बॉडी जकड़ गया है। तो अभी हम जिस लॉज में रुके हैं उस लॉज का नाम है स्वर्ण लॉज और काफ़ी बढ़िया है। अभी रूम जाके आपको दिखाते हैं, और अगर आप लोग कभी भुवनेश्वर आते हो यहाँ विजिट कर लें तो डिस्क्रिप्शन में इस लॉज का जो नंबर है वो मेंशन कर देंगे, तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। सही है ना। नाम आप क्या बताएं? बालमदेश्वर भुइया मेरा नाम। बालमदेश्वर भुइया मैनेजर। बालमदेश्वर भुइया, ये जो हॉस्टल है ना यहाँ के मैनेजर हैं, तो ऐसा है। और यहाँ पे जो फूड वगैरह का सिस्टम? पास तो होटल है। पास होटल है, खुद से नहीं है ना यहाँ, मतलब? नहीं ऐसे कुछ नहीं, पास होटल है और फास्ट फूड है, यहीं पर ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड भी है और स्टेशन 1 किलोमीटर, एयरपोर्ट 3 किलोमीटर। यहाँ से एयरपोर्ट 3 किलोमीटर, स्टेशन 1 किलोमीटर। अभी हम पैदल आए हैं स्टेशन से, वही हमारा पास 500 मीटर में। 500 मीटर है ना। और जो और जितना सारा जो खाने का जो होटल वगैरह है वो आसपास में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो अगर आप लोग आना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। चले ऊपर, ठीक है। दिखाते हैं अभी यहाँ पे रूम। थैंक यू ब्रो। तो भाई दिस इज माई रूम, और इस रूम का पड़ा है मुझे, सिंगल रूम है, और इस रूम के लिए हम पे कर रहे हैं पर डे
300 रुपीस। और इस जो ये स्वर्ण लॉज है, इस लॉज का खासियत क्या है कि आप जितना बजे चेक इन करोगे ना, उतना ही अगले दिन आप चेकआउट करेगा। मतलब अभी हम आए शाम के कुछ 6 बजे, तो अगले दिन शाम को 6 बजे ही मुझे चेकआउट करने का ऐसे ऑप्शन है। आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी। तो कोई कोई डोमेट्रीज या फिर हॉस्टल में रहता है ना कि भाई 9 या 10 बजे सुबह चेकआउट कर देना है, बाकी तुम कितने बजे आए वो मायने नहीं रखता। तो अगर रात में भी आए हो ना 7 या 8 बजे, तो उसके अगले दिन रात 7-8 बजे तक आपके पास टाइम है, पूरे 24 घंटा का टाइम देता है। तो अच्छा, तो अभी हम फ्रेश हो गए और शर्ट भी चेंज कर लिए हैं। आप लोग इससे पहले वाला जितना सारा ब्लॉग आया था चेरापूंजी शिलोंग से रिलेटेड, वो सारा एक ही कपड़े में आप लोग गौर किए होंगे। वो रहा ये कपड़ा शर्ट। तो इस तरह का मेरे पास 2 शर्ट है। तो आप लोग ये नहीं सम तो आप लोग कभी ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही शर्ट है मेरे पास। चेरापूंजी में हम ये वाला शर्ट ज़्यादा पहने थे और मेरे पास एक और शर्ट है, तो दोनों। और ये ब्लैक वाला ठीक लग रहा है ना। तो अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले मुझे खाना खाने जाना है नीचे, और सारा बिखरा हुआ है। पहले हम नीचे जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये वाला सिस्टम काफ़ी बढ़िया है यार, इसको सब बंद हो गया। तो एक चीज़ उड़ीसा में क्या देखें कि आप लोगों को पता होगा कि उड़ीसा में लगभग लोग उड़िया बोलते हैं, तो उड़िया के साथ साथ लोग हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी। तो इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे सस्टेन करने के लिए। तो जिस सभी होटल में हम आए हैं ना, चावल दाल और 2-3 तरह का सब्जी, और ये होटल का नाम तो मुझे मालूम नहीं, बट पहले हम खा लेते हैं उसके बाद बाहर जाके आपको दिखाते हैं। तो हाँ जी, अभी खाना खाएं, 60 रुपया लगा और काफ़ी अच्छा खासा खाना रहा, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, वेज नॉन वेज सब सारे ऑप्शन आपके, नॉन वेज वेज सब कुछ जो भी आप खाना चाहते हो। और ये जो होटल का जो लोकेशन है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और महज जो मेरा लॉज है वहाँ से कुछ लमसम 50 से 60 मीटर के डिस्टेंस में होगा, तो आप लोग टेस्ट कर सकते हैं कभी भुवनेश्वर आते हो तो। क्या बना रही है, नान 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 घर से आइए। और ये रहा होटल न्यू अमर, और मेरा जो होटल है वो उस साइड। ठीक है, चलते हैं। नाम बता दे यार, दीजिए। 8 बजे तक सिर्फ कर्फ्यू लग जाता ना यहाँ। नोमैडिक हिंद। 2 रोटी पैक कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेता हूँ। थैंक यू, सब्सक्राइब बर बढ़ गया मेरा। होटल के जो मालिक थे ना, सब्सक्राइब कर लिया। बढ़िया है यार, कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं कुछ छूटा है। चलते हैं अब हम अपने हॉस्टल, कुछ काम करना है, एक वीडियो एडिट करना है, और भुवनेश्वर में जहाँ भी हम एक्सप्लोर करेंगे वो सबका लिस्ट बनाना है हमें। एक्वागार्ड का पानी, जिस लॉज में हम रुके हैं ना वहाँ का ओनर है मेरे लिए पानी भर रहे। हमें लगता है उड़ीसा में काफ़ी प्यार मिलेगा। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। अभी तक उड़ीसा में जो लोगों का बिहेवियर रहा, लोगों का जो इंटेंशन रहा, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं, मानना पड़ेगा।
हाँ जी, तो ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो शॉर्ट में बताते हैं कि हम चेरापूंजी से कब आए और कितने दिन तक हम घर में स्टे किए हैं। तो चेरापूंजी से आए थे हम 22 सितंबर को वापस घर, और घर में करीब 15 से 20 दिन हम रेस्ट किए, और साथ में जितना सारा वीडियो हम बनाए थे वो सब एडिट कर रहे थे। ये सब करने के बाद हम पहले से सोचे थे कि मुझे उड़ीसा जाना है, तो बस उड़ीसा का प्लान बन गया। पहले से हम तय किए हुए थे कि मुझे उड़ीसा जाना है और उड़ीसा में एक्सप्लोर करना है। तो उड़ीसा में बेसिकली अभी हम भुवनेश्वर में हैं, तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, तो यहाँ पे हम 2 से 3 दिन स्टे करेंगे, उसके बाद पुरी जाएंगे, उसके बाद पुरी, कोणार्क, चिल्का लेक, और अभी धीरे धीरे अब जब वीडियो आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करने वाले हैं। और जो 15 से 20 दिन हम घर में रेस्ट किए उस बीच हम बहुत सारा काम किया। सबसे पहले अभी आवाज़ तो काफ़ी अच्छा खासा आ रहा होगा, क्योंकि रोड का एक माइक ऑनलाइन किए थे तो उसे आने में काफ़ी टाइम लगा। और दूसरा, ये जो चश्मा दिख रहा है ना, इसे भी फ्रेम चेंज किए, और कुछ कुछ छोटा मोटा काम है वो सब हम किए। उसके बाद फिर बस यही रहा घर तरफ का। तो फिलहाल इस वीडियो का करते हैं यही एंड, और कल हम भुवनेश्वर जो जगह है यहाँ पे घूमने लायक, उन सब जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे। और बस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करना कीजिए, बट सपोर्ट कीजिए, ठीक है, सिर्फ सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।